हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गागयान। आपके अपने यूट्यूब चैनल गागयान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने मैथ सीरीज में अनुपात और समानुपात यानी कि रेशो और प्रोपोर्शन को स्टार्ट किया हुआ है। हमने उसके कुछ कंसेप्ट देखे थे, आज उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हमने सीखे थे क्वेश्चन करेंगे और उनको समझेंगे। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लेते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात पढ़ने के लिए जो है हमने जो कुछ कंसेप्ट देखे थे उनमें से जो रिमेनिंग कंसेप्ट है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जानकारी कैसे है, सपोज दैट आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है 3a इज इक्वल टू 2b कोई नंबर है और इसमें आपको बताना है कि a अनुपात b क्या होगा, a अनुपात b क्या होगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, अनुपात की खासियत है कि जो साथ में रहता है वो साथ नहीं देता, सामने वाला क्या करता है, साथ देता है। इंसानों में भी ये बात होती है कि हमेशा साथ रहने वाला धोखा देता है और जो सामने वाला वो क्या होता है, अपना होता है। तो जो दूसरे के साथ होता है वो अपना होता है, तो इसलिए हम यहां से कह सकते हैं कि ए का अपना कौन है, 2 है और बी का अपना कौन है, 3 है। यानी कि जो सामने रहेगा वही अपना रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे जो ए अनुपात बी होगा वो कितना होगा, 2:3। लेकिन अगर यही टर्म्स आपकी 3:3 में आ जाए, जैसे आपके पास कह दे 2a = 5b = 6c, और हमें निकालना क्या होगा, हमें निकालना होगा a अनुपात b अनुपात के c। तब हम कैसे निकालेंगे, तब हम यहाँ पे ये वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे। लॉजिक क्या लगाएंगे, पहले को हाइड करोगे यानी कि छिपाओगे, तो जो आपके नंबर से उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×6=30। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 30। दूसरे को हाइड करोगे 2 की 6 में करोगे कितना आ जाएगा, 12। तीसरे को हाइड करोगे 2 की 5 में करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 10। तो ए बी सी का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30, 12 और आपके पास क्या हो जाएगा, 10। तो ये आपका कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट आपका क्या होता है, एक्स्ट्रा कंसेप्ट, अगर आपका कोई फ्रैक्शन में है, जैसे a/2 = b/2, अगर इनमें a अनुपात b निकालना है तो हमेशा यही ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला होगा वो उसका ही होता है, जो नीचे वाला होगा वो उसका ही अनुपात होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि a अनुपात b कितना होगा, 2:2। a अनुपात के b यहां से कितना होगा, 2:2। तो ये कुछ कंसेप्ट थे जो आपको आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन को यहाँ पे लेते हैं। इससे पहले एक कंसेप्ट और करेंगे हम, हमारा कंसेप्ट क्या होगा, हमारा जो कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट क्या होगा, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन में जो हम लेंगे वो लेंगे, यदि a अनुपात के b कितना देकर चला है, 3:7। तो हमें जो मान निकालना है वो किस किस का मान निकालना है, पहला जो मान होगा a+b a-b, पहला ये मान निकालना है। दूसरा जो मान निकालना है वो मान कैसे निकालना है, a²+b² / कितना आ जाएगा, b² - a² और तीसरा जो मान निकालना है वो निकालना है a+b और चौथा जो मान निकालना है वो कैसे निकालना है, a²/b और पटे के क्या आ जाएगा, a²-b ये हमें क्या करना है, यहाँ पे मान निकालना है। तो हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा। तो हमेशा यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखना है, वो कंसेप्ट क्या होगा, वो कंसेप्ट होगा अगर पावर सेम है, अगर पावर सेम है और डिवाइड में है, और डिवाइड में है तो आप उसी का ही मान निकाल सकते हो, अदरवाइज आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से जो हमारा फोर्थ था, यहाँ पे पावर सेम नहीं है तो इसलिए हम कह सकते हैं, यहाँ पे इसलिए हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि इसका मान CND होगा, इसका मान क्या होगा, CND होगा, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन, इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसे ही a+b है तो a+b भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मान कैसे है आपके पास, रेशो में है।
एक्चुअल मान होते तो आप यहाँ पे रख सकते थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं इन दो का मान पॉसिबल है। इन दो का मान क्या हो जाएगा आपके पास, कैन नॉट डिटरमाइन। इन दो का मान कैसे पॉसिबल है, 3 + 7 और 7 - 3। 7 और 3 कितना आ जाएगा, 10, और 7 में से 3 गया कितना बचेगा, 4। तो 10/4 इसका क्या आ जाएगा, या 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 4, यानी कि कितना आ जाएगा, 2.5। यानी कि इसका मान क्या है, पॉसिबल है। ऐसे ही इसका मान भी पॉसिबल होगा। कैसे होगा, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 49 - 9 यानी कि कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18, ये 58 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 40। 2 से करेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, और 2 से 20 बार, तो यानी कि इसका मान जो कितना आएगा, 29/20। तो इस तरह ये कंसेप्ट हमने यहाँ से सीखा है कि अगर डिवाइड में कोई नंबर है और उनकी पावर सेम है तो उसी का मान ज्ञात किया जा सकता है रेशो से। अदरवाइज अगर पावर सेम नहीं है, डिवाइड में है, तो उसका मान कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब जो क्वेश्चन लेंगे हम अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा आपके पास, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, ए अनुपात के बी बराबर 1:2, बी अनुपात के सी बराबर 3:4, सी अनुपात के डी बराबर 6:9, डी अनुपात के ई बराबर 12:16। तो हमें ए बी सी डी ई का मान बताना है अनुपात में क्या होगा। मैंने आपको बता रखा है हमारा तरीका क्या होता है, ए बी सी डी और आपके पास ई। हमें पता है यहाँ रेशो आपस में कट रहे हैं, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पर भी रेशो कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, 4 × 3 = 12 और 4 × 4 कितना आ जाएगा, 16। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए बी का जो रेशो है वो है 1:2, ए बी का रेशो 1:2 है, तो 2 यहां आ जाएगा, 2 यहां, 2 यहां। बी सी का रेशो 3:4, 4 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा। सी डी का रेशो 2:3, 3 यहां आ जाएगा, 2 यहां, 2 यहां। डी का 3:4, 3 4 है, 3 है, 3 है, 3 है, इसे ठाके कर लेंगे हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 = 36, 18, 2 × 3 = 6, 12 × 3 = 36, 2 × 8 × 2 = 16, 48, 8 × 3 = 24, 72, 2 × 8 = 24, 96, ये हमारे पास आ चुका। इसके बाद 3 से करेंगे 3 × 18, 3 से करेंगे 12, 3 से करेंगे 3 × 3 = 19, 16, इसके बाद 3 से करेंगे 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 3, 3 × 9 और 3 × 2 = 6, ये हमारे पास आ चुका। 3 से फिर करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सॉरी 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और आपके पास कितना आ जाएगा, 16। तो जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो किस अनुपात में आ जाएगा, 3:6, 8:12, 16। तो ये इस क्वेश्चन को करने का क्या होता है, तरीका होता है। लेकिन आप क्या करोगे, आप ऑप्शंस हैं, ये करने की आपको जरूरत नहीं होगी, ये आपके लिए क्या होगा, मिसयूज होगा। आप क्वेश्चन को विद इन 1 सेकेंड में ऑप्शन देखते ही क्लिक कर सकते हो। कैसे क्लिक कर सकते हो, आपको पता है 1:2, तो इन ऑप्शन में ये देखेंगे, पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे 1:2 बन रहा है, दोनों में नहीं बन रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 यानी कि इसमें बन रहा है, तो ये तो हमारे लिए एंड हो चुका, ये इसमें नहीं बन रहा तो ये भी एंड हो चुका, इसमें बन रहा है, तो इसका मतलब ए अनुपात का जो ए अनुपात बी का 1:2 दो ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक हो रहा है। दूसरा करना बी अनुपात के सी 3:4, बी अनुपात के सी 3:4, क्या यहां 3:4 है, नहीं है, तो हम इसे काट देंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 यानी कि इसमें बन रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 4th ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो इस तरह आप इसका यूज ना करते हुए आप डायरेक्ट भी ऑप्शन से विद इन 1 सेकेंड में क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। बात करेंगे अब हम दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, बात करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए अनुपात के बी बराबर 2:5 है, यानी कि यहां पे कितना देके चला, 2:5
5, बी अनुपात के सी बराबर दे के चलाया आपके पास 4:3, यानी कि यहाँ पे दे के चलाया 4:3, और सी अनुपात के डी दे के चला है 2:1, यानी कि यहाँ पे जो दे के चला है वो कितना दे के चला है 2:1। ये आपसे क्या है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में ए अनुपात के सी अनुपात के डी का मान क्या होगा, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा है ए अनुपात के सी अनुपात के डी का मान क्या होगा, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है बताना है। तो इस बार ए सी डी का अनुपात पूछा है, तो आप डायरेक्ट जो है ए से सी तक नहीं जा सकते हो, तो इसलिए आपको इस मेथड का यूज यहाँ पे करना होगा, जो कि हमारे ऑप्शन में जो देके चला है वो ऑप्शन में क्या देके चला है हमारे पास, तो हम इसे करेंगे, इसका ऑप्शन नहीं लिखेंगे, हम इस क्वेश्चन को यहाँ करेंगे सोल्व करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर दे के चलता ए अनुपात के बी अनुपात के सी अनुपात के डी का मान पूछता तो हम ऑप्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते, तो वही लिखेंगे अपना तरीका ए बी सी डी। ए बी का मान कितना है हमारे पास, ए बी का मान है 2:5, बी सी का मान है 4:3, सी डी का मान है 2:1, सी डी का मान कितना है 2:1, 2 4 2 8 2 16, 5 4 20 2 40, 5 3 15 2 30, 5 3 15 = 15, क्या किसी से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा 16 40 30 15। हमें पूछा किसका है, ए सी डी का पूछा है, तो ए का मान है 16, सी का मान है 30, और डी का मान है हमारे पास कितना 15, तो ए सी डी का जो मान होगा वो फाइनली आंसर क्या होगा 16 30 15। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमारे पास है, यदि ए अनुपात के बी बराबर जो दे के चला है 1:2, 1/2 और 3/8, ऐसे ही कोमा बी अनुपात के जो सी है वो हमारे पास कितना दे के चला है 1/3:5/9, और ऐसे ही दे के चला है कोमा सी अनुपात के डी, सी अनुपात के डी, और इसका मान देके चला है 5/6:3/4, ये देके चला है, तो हमें बताना है तो ए अनुपात के बी अनुपात के सी अनुपात के डी का मान बताना है कि इनका मान क्या होगा, इनका मान क्या होगा ये हमें क्या करना है यहाँ पे बताना है, इसका मान बताना है कि इसका मान यहाँ पे क्या होगा। अगर हम ऑप्शन से जाएंगे तो ऑप्शन जो हमारे पास होंगे 6 4 8 10, 6 4 8 10, दूसरा ऑप्शन हमारे पास होगा 6 8 9 10, 6 8 9 और आपके पास 10, तीसरा ऑप्शन हमारे पास रहेगा 8 6 10 और आपके पास 9, और चौथा जो ऑप्शन हमारे पास रहेगा 4 6 8 और आपके पास 10, ये चार ऑप्शन है हमारे पास, क्वेश्चन आपके सामने है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये देखते हैं। हमें पता है यहां से हम इसको काट सकते हैं 2 1 2, 2 2 4 8, यहां से काट सकते हैं 3 1 3, 3 3 9, यहां से काट सकते हैं 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, यहां से जब हमने इसको काट दिया हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का मान आ जाएगा, तो ए अनुपात के बी का मान कितना आ जाएगा 4 1 4, 3 1 3, यानी कि 4:3, बी अनुपात के सी का मान कितना आ जाएगा 3 1 3, 5 1 5, सी अनुपात के डी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 3 3 9, 5 2 10, 3 3 9, 5 2 10, तो डायरेक्ट ऑप्शन के हेल्प से करेंगे, 4 और 3 का रेशो किस में बन रहा है 2 3 6, 2 2 4 कैंसिल, 2 3 6, 2 4 8 कैंसिल, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, यानी कि थर्ड ऑप्शन में हमारा बन रहा है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा आपके पास, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर रहेगा।
तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यदि a प्लस बी अनुपात के अंडर रूट ए बी बराबर देके चला है 4:1 और कंडीशन देके चला है, क्या कंडीशन देके चला है, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, तो a अनुपात b का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है बताना है। और साथ में हमारे पास जो ऑप्शन देके चला है वो कौन से देके चला है, 2+√3 अनुपात के, 2-√3 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है 2-√3, 2+√3। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 3+√2, 3-√2। चौथा ऑप्शन है आपके पास 3-√2 अनुपात, सॉरी ये अनुपात है, अनुपात है आपके पास 3+√2। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन करना है। a प्लस बी अनुपात √ab बराबर 4:1। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि a का मान b से बड़ा है, a का मान b से बड़ा है। या मान लिया हमने पहले ऑप्शन को देखते हैं, a का मान b से बड़ा है, तो इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकता है, क्योंकि प्लस वाला बड़ा होता है माइनस वाला छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे a का मान माइनस में है तो इसका मतलब a छोटा हुआ b बड़ा हुआ, लेकिन इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये मान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। प्लस में है हो सकता है, ये माइनस में है तो ये मान भी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो आपके कट चुके, बचे दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन को कैसे सोल्व करेंगे, दो ऑप्शन को सोल्व करेंगे हम इस पहले ऑप्शन को देखेंगे, a का मान कितना है 2+√3, b का मान कितना है 2-√3, क्लियर, √ab, a का मान कितना है 2+√3 और हमारे पास कितना आ जाएगा 2-√3। ये किस अनुपात में आना चाहिए, ये 4:1 में आना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। करते हैं, हमारे 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट, और √3 से 2 और 2 कितना आ गया 4, यानी कि 4 तो हमारा आ चुका। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a की 2 - b की 2, 4 हमारे पास कितना बन जाएगा 4, ये कटेगा हमारे पास कितना आ जाएगा 1, हमारे पास कितना आ जाएगा 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना भी होता है 1 ही होता है, तो 4:1, इसका मतलब हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, एक एक क्वेश्चन करेंगे, प्यार से करेंगे और बहुत अच्छी तरह से समझ के उसके कंसेप्ट को देख के तब हम क्वेश्चन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, अगला क्वेश्चन होगा 2600 रुपये को, 2600 रुपये को ए बी सी के बीच में, a, b, c के बीच में, के बीच में 1:1/2, 1:3, 1:4 के अनुपात में बांटना है, के अनुपात में बांटना है, के अनुपात में बांटना है, तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए, प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो हमें प्रत्येक का हिस्सा बताना है कि प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास रहेंगे 1200, 600, 800, 1200, 600, 800 पहला ऑप्शन ये रहेगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहेगा 1200, 800
600। तीसरा ऑप्शन हमारे पास रहेगा 600, 800, 1200। चौथा ऑप्शन हमारे पास रहेगा 800, 600, 1200। ये हमारे पास क्या है, चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन में हमारे पास कौन सा सही होगा ये हमें बताना है। एबीसी का अनुपात देके चला है 1/2, 1/3, 1/4। तो आपको बताया था दो या दो से ज्यादा रेशो होगा तो उसके एलसीएम से करते हैं, तो हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12। हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 1/2 गुना के 12, 1/3 गुना के 12, 1/4 गुना के 12, यानी कि 2 छीकी 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। यानी कि हमारे पास जो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशो आया वो कितना आया, 6:4:3। हमारे पास कितना आया, 6:4:3। तो 2600 रुपये को हम एबीसी में बांटेंगे 6:4:3 के रेशो में। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन की हेल्प लोगे, 6 और 4 का रेशो किस में बन रहा है, 6 0 से 0 खत्म करो, 0 से 0 खत्म करो, 0 से 0 खत्म करो। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, 2 छीकी 12, 2 तिया 6 नहीं बन रहा है, कैंसिल आउट। 2 छीकी 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6 दूसरा ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8 नहीं बन रहा, 2 चौक 8, 2 तिया 6 नहीं बन रहा। इसका मतलब हमारा जो तीसरा, हमारा जो आपका दूसरा ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि हमें किस रेशो में बांटना है, 6:4:3 के रेशो में बांटना है। अगर हम इसका बेसिक ही करना है तो बेसिक कैसे करेंगे, 6:4:3 यानी कि टोटल कितने हैं, 2600 रुपये हैं। तो ये ए का हिस्सा कितना आएगा, ए का हिस्सा जो आएगा हमें पता है टोटल हमारे पास कितने हैं, 2600, और ये टोटल कितने हैं, 6 4 10 और 3 13, और हमें पूछा किसका है, 6 का। तो ये तो पहले का हिस्सा आ जाएगा, दूसरे का हिस्सा कितना आ जाएगा, 2600/13×4। तीसरे का हिस्सा कितना आ जाएगा, 2600/3×, कितना आ जाएगा, 13। तो 13 दूनी 26, 2 छक्के 12 यानी कि 1200 तो इसका आ गया, 13 दूनी 26, 800 इसका आ गया, 13 दूनी 26, 600 इसका आ गया। तो ए बी सी का कितना आ गया, 1200, 800, 600। ये होता है आपके पास बेसिक, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट सोल्व से करना है तो इतना निकाल लो, डायरेक्ट आंसर देखो ऑप्शन, और ऑप्शन में देखो किस रेशो में बट रहा है, वही आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो गाइज ये था आपके पास रेशो और प्रिपरेशन के सवाल। अब हम रेशो के कुछ आने वाली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।